डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, ग्राम धर्म एक महत्वपूर्ण बात है। जब तक एक समाज की तरह गांव सोचता नहीं, चलता नहीं, तब तक ग्राम धर्म असंभव है। और यदि ग्राम धर्म संभव है तो ग्राम नई ऊंचाइयों को पाने का मार्ग स्वयं चुन सकता है। यह कथन लोकनायक स्वर्गवासी जयप्रकाश नारायण का है, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। देश के इसी अमर स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श गांव योजना की आधारशिला रखी। गांवों को समर्पित इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक 3 आदर्श गांव बनाने होंगे। इस प्रकार यदि देश के 800 सांसद ऐसा करें तो वर्ष 2019 तक 2500 गांवों का विकास हो जाएगा। ग्रामीण विकास पर केंद्रित यह योजना महात्मा गांधी के स्वराज विचार पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में से एक एक गांव का चयन कर उसे इस प्रकार विकसित करना है कि वह आसपास के अन्य गांवों के लिए मॉडल बन जाए। इस प्रकार इस योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों के आसपास स्थित विभिन्न गांवों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और तब धीरे धीरे पूरा क्षेत्र विकसित हो जाएगा। इस योजना के माध्यम से अधिक गांवों को विकसित किए जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, सांसद गांव को तीर्थ की तरह बनाएं, विधायक भी आदर्श गांव बनाएं, ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे गांव वाले अपने गांव पर गर्व करें। इस योजना के अंतर्गत आदर्श गांव के रूप में विकसित किए जाने वाले गांवों में प्रत्येक तरह की सुख सुविधा तो उपलब्ध रहेगी ही, साथ ही साथ जुआ खेलने, नशा करने आदि दुर्गुणों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार आदर्श गांवों का विकास व्यक्तिक, मानवीय, आर्थिक और सामाजिक सभी संदर्भों में देखा जाएगा। इस योजना को कार्य रूप दिए जाने हेतु संसद के दोनों सदनों के सभी सांसदों को मार्च 2019 तक 3-3 गांवों को विकसित करने का दायित्व सौंपा गया है। इस योजना के द्वितीय चरण में अर्थात वर्ष 2019 के पश्चात प्रत्येक सांसद को पुनः 5 और गांवों को चुनकर उन्हें आदर्श गांव में परिवर्तित करना है। इस प्रकार चयन किए गए गांवों को वर्ष 2024 तक शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण सहित अन्य क्षेत्रों में विकास के उच्च स्तर तक पहुंचाना इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। साफ सफाई, पठन पाठन, महिलाओं के सम्मान आदि को भी इस योजना में महत्व दिया गया है। पाई पेराचेंज,
गांवों के चयन हेतु सांसदों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, पर उन्हें स्वयं अथवा अपनी पत्नी के गांव को चुनने की छूट नहीं दी गई है। 3,000 से 5,000 की आबादी वाले गांवों को ही इस योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम हेतु चुना जा सकता है, किंतु पहाड़ी क्षेत्रों हेतु 1,000 से 3,000 की आबादी निर्धारित की गई है। चयनित गांवों के गरीब लोगों की स्थिति सुधारने हेतु सांसद निर्वाचन क्षेत्र फंड का उपयोग किया जाएगा। इस नियोजन प्रक्रिया में जिला कलेक्टर को भी सम्मिलित किया जाएगा। सांसद आदर्श गांव सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न अत्याधुनिक गांव होंगे, जहां सिर्फ पक्की सड़कें व पक्के मकान ही नज़र आएंगे। ऐसे मॉडल गांवों में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति, सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट सहित वर्षों के जल की निकासी की समुचित व्यवस्था भी होगी। आदर्श गांव कंप्यूटर, एटीएम व इंटरनेट की सुविधाओं से संपन्न होंगे। वहां की गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। विद्यालय, डाकघर, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, माइक्रो मिनी बैंक सहित ये गांव राशन की दुकानों से भी सुसज्जित रहेंगे। पाई पराचेंज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित जयपुर में प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों से उनके अनुभव के आधार पर जो सीख मिलती है वह बड़े बड़े अधिकारियों से भी नहीं मिल पाती। निश्चय ही जन भागीदारी को महत्व देने वाला उनका यह वक्तव्य गांवों के संदर्भ में उनकी गंभीर परिपक्वता का परिचायक है। सांसद विधायक सहित गांवों के विकास से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को उनकी कही इस बात से सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि गांवों की समस्या को नज़दीक से जानने हेतु मिट्टी से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। गांवों के बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाकर और ग्रामीणों के साथ उचित तालमेल बिठाकर आदर्श गांव योजना को सफल किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार के मध्य योजना को लेकर टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आदर्श गांव बनाने में पंचायतों एवं जिला पंचायतों को अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः निभानी होगी। इसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति का भी यह दायित्व बनता है कि वह अपने कार्यों को लगन व पूर्ण ईमानदारी के साथ करे, ताकि उसका गांव भी आदर्श गांव बन सके। आशा की जाती है कि गांवों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित यह योजना आने वाले समय में अवश्य सफल होगी और भारत के गांवों का कायाकल्प होगा। स्टॉप।